ग्रहों के सेनापति मंगल ने सोमवार शाम को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर लिया है। 13 अप्रैल 2021 तक मंगल इसी राशि में रहेंगे। ज्योतिर्विद के मुताबिक मंगल का ये गोचर कुछ चुनिंदा राशियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। तो चलिए बताते हैं कि इस राशि परिवर्तन से किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो बता दें आपको कि पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन काफी लाभदायक रहेगा। धन की स्थिति मजबूत होगी, घरेलू खर्च में कमी आएगी, शुभ कार्य संपन्न होंगे। हालांकि बता दें आपको कि ट्रैवल के योग बन रहे हैं, लेकिन लंबी ट्रैवल ना करें, ज्यादा ट्रैवल ना करें और थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी आपको। तो बता दें आपको कि पहली भाग्यशाली राशि मिथुन राशि, दूसरी भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। कठिन चुनौतियों का सामना करने वाले को अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिश्रमी लोगों को निश्चित सफलता मिलेगी। धन के मामले में चल रही दिक्कतें अब दूर हो सकती है। भाई बहन से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। चलिए बात करते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए भी ये मंगल का गोचर काफी हद तक बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। हालांकि बड़ा निवेश करने से पहले शुभ चिंतकों की राय अवश्य लें। मकान, दुकान या वाहन खरीदने के योग भी बनेंगे। घरों में सुखों का आगमन होगा। धन से जुड़े नुकसान नहीं होंगे, हालांकि माता के स्वास्थ्य की चिंता करनी होगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को भी ये गोचर शुभ परिणाम देगा। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वालों को बड़ा लाभ मिलेगा। जिन लोगों के शुभ कार्य लंबे समय से रुके थे, उनके पूरा होने का समय अब आ गया है। ऊर्जावान महसूस करेंगे। सरकारी जॉब या परीक्षा में जुटे विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। हालांकि महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों के चलते सावधान रहना होगा। तो बता दें आपको कि भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। चलिए बात करते हैं अब अगली भाग्यशाली राशि वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को मंगल के इस गोचर से मिले जुले परिणाम मिलेंगे। धन लाभ होगा, जरूरी कार्य भी पूरे होंगे। हालांकि दाम्पत्य जीवन मुश्किलों से भरा रहेगा। पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। तनाव और क्रोध की वजह से गलत निर्णय हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए ये गोचर काफी अच्छा माना जा रहा है। इस राशि में शनि देव पहले से ही विराजमान है। मंगल के वृषभ राशि में जाने के बाद आपका भाग्योदय होगा। धन की स्थिति बेहतर रहेगी, रुके कार्य संपन्न होंगे। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो ये भाग्यशाली राशि है मकर राशि। चलिए बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए भी ये गोचर काफी अच्छा साबित होने जा रहा है। जीवन में कई अच्छे बदलाव आएंगे। जॉब में अवसर प्राप्त हो सकते हैं। धन व्यापार की स्थिति बेहतर होगी। हालांकि पिता के साथ वाद विवाद बढ़ सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय लेने से करीबियों की राय जरूर लें। चलिए बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि मीन राशि वालों की। मीन राशि के लिए भी ये गोचर काफी हद तक बेहतर रहने वाला है। रुके धन की प्राप्ति होगी। जीवन में चल रही धन संबंधी समस्याओं का अंत होगा। पारिवारिक जीवन में भी सब बेहतर होगा। षड्यंत्र कार्यों से सावधान रहें और बेवजह तनाव न लें। तो ये भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि, ये भाग्यशाली राशि। तो बता दें आपको कि भाग्यशाली राशियां हैं मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से श्रुतिक रिपोर्ट।